प्रकृति ने मनुष्यों को कई उपहार दिए हैं, उसमें सबसे बड़ा उपहार जल है। जल की आवश्यकता तब पता चलता है जब हमारे आसपास का जल स्रोत सूख गए हो और दूरों मील से पानी लाना पड़ता है। जिस क्षेत्र में प्रकृति भूमि तोड़कर फुहारे के रूप में जल दे रही है, वहाँ के लोगों के लिए इससे बढ़कर प्रकृति का उपहार क्या हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के लातेहार जिला मुख्यालय से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सालोडी गांव का, जहां वर्षों से फुहारे के रूप में निरंतर जल निकल रहा है। तो आइए सालोडी गांव ले चलता हूं और आपको दिखाते हैं कि किस स्थल पर गर्म पानी का झरना निरंतर निकलते रहता है। यहाँ ठंडी के दिनों में इस स्थल से गर्म पानी निकलता है और गर्मियों के दिन में ठंडा पानी, इसलिए इसे गर्म जल झरना के नाम से भी जाना जाता है। सालोडी का यह स्थल वर्षों से निरंतर इस तरह फुहारे के रूप में यहाँ से जल निकल रहा है। यहाँ के प्रशासन के द्वारा एक कुप का निर्माण कर दिया गया है और उसमें टोटी लगा दिया गया है और इस कुप के दोनों छोर पर इस तरह का दो टोटी लगा हुआ है जहाँ से पानी निरंतर निकलते रहता है। वर्षों से इस तरह का पानी यहाँ बह रहा है और इस पानी का उपयोग यहाँ के लोग पीने से लेकर सिंचाई कार्य में कर रहे हैं, किंतु व्यवस्थित तरीके से नहीं करने के कारण यह जल का बर्बादी है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इसे व्यवस्थित करने के लिए कुप का निर्माण कर दिया गया है और कुप के दोनों छोरों पर टोटी लगा दी गई है जहां से पानी निरंतर निकलते रहता है और सिंचाई करने के लिए पाइप भी इस कुप से लगाकर खेतों तक पहुंचाया गया है और इस पाइप के माध्यम से आसपास के खेतों में सिंचाई कार्य किया जाता है। प्रकृति की सबसे बड़ी देन यह है कि बिना किसी यांत्रिक सहायता से दूरों मीलों तक पानी पहुंचाया जाता है और आसपास क्षेत्रों में खेती की जाती है, किंतु स्थानीय युवकों का कहना है कि आसपास जंगली इलाका होने के कारण खेती नहीं हो पाती है। रात में जंगली जानवर आकर खेतों को चर जाते हैं, जिसके कारण आसपास के लोग खेती नहीं करते हैं और मजदूरी करना अधिक पसंद करते हैं। प्रकृति की इस देन को यहाँ के स्थानीय लोगों ने ईश्वरीय चमत्कार समझ लिया और इस स्थल पर शिवलिंग की स्थापना कर दी और इस शिवलिंग का पूजा पाठ निरंतर लोग करने लगे। इस जल को व्यवस्थित करने के संबंध में एक अभियंता ने इस प्रकार जवाब दिया। यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पे विदाउट मशीनरी प्रेशर पानी के फ्लो का बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ खेती किया जा सकता है, क्योंकि एक 1/2 इंच का टुल्लू पंप भी इतना प्रेशर देता है, इसे कम ही देता है, बल्कि दोनों साइड इसमें पानी मतलब फ्लो कर रहा है। अभी अगर एक साइड से किया जाए तो इसका फ्लो लेवल बहुत काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आई थिंक यहाँ के लोगों को कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसका प्रयोग करना चाहिए।
प्रकृति की यह जो देन है, इस देन के संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। जाना थी कि चेकिंग कोयला चेक कर रहा था, कैंप लगल है तो और अगल बगल ने हल्ला चार पांच ठन लागल है तो वहाँ वाला नहीं बंद करे, उन्हें अगर बंद कर देते यहाँ वाला मवासी पिए चलते नहीं बंद भट देने खोज रहा है तो पब्लिक का है बोले ना कि मत भटिए तो हम लोग तीन को पाँच दस दस फीट पर डाल दिए हैं इसमें धस जाता है तालाब हो जाता है। सिंचाई व्यवस्था के लिए काफ़ी उत्तम और अच्छा है, इसका प्रयोग पूरा पूरी और इसका लाभ लेना चाहिए। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर बनी रहने के लिए यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।